हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। और यकीन मानिएगा, आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 10 न्यू एंड्रॉइड गेम्स जो इस वीक में आपके स्मार्टफोन पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाहर हो रही है बारिश और मौसम है सुहाना, तो चलिए साथ में मिलकर के पता करते हैं कौन से वो नए गेम्स किस टाइप के होंगे, कैसे उनकी ग्राफिक्स होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो करिएगा लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से आइए प्रोटेक को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, सीरीज को आप और हम मिलकर ही करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं फर्स्ट गेम की जो निकल करके आएगा रेवेनॉट। अब यहाँ पर आप लोग एक एडवेंचर पे जाने वाले हैं, जिस एडवेंचर में आप लोगों का सामना होगा खतरनाक और बेहद ही खतरनाक एनिमीज और क्रिएचर्स से, जिनसे आप लोग लड़ेंगे अपनी तलवार का और अपनी वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए। अपने कैरेक्टर को आप लोग अपग्रेड करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, आसपास एक्सप्लोर करेंगे। ओपन वर्ल्ड गेम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस गेम के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे स्पेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग बनाएंगे बॉसेस से फाइट करने के लिए। और जैसे जैसे गेम में प्रोग्रेस होगी, आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका कैरेक्टर और भी पावरफुल होता चला जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ गेम के साइज की, तो वो होने वाला है दोस्तों 200 MB और गेम ऑफलाइन रहेगा, यानी कि इस गेम को आप लोग बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी प्ले कर सकते हो। और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड गेम की जो निकल करके आएगा जगबॉट्स। इस गेम के अंदर आप लोगों को फाइटिंग का एक ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिसे आप लोगों ने शायद ही कभी पहले एंड्रॉइड पर महसूस किया हो, यानी कि आप लोगों का सामना इंसानों की बजाय रोबोट से होने वाला है, मेकाट्रॉन से होने वाला है। उनसे आप लोग फाइट करेंगे, वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे और गोलियां चलाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग लोकेशंस मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैप्स मिल जाते हैं। अब आप लोग भी खतरे का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। पहनते हैं अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथ में लेते हैं अपनी असॉल्ट राइफल और निकल जाते हैं सामना करने के लिए रोबोट्स का। अब जब रोबोट्स सामने से लेंगे, पता चलता है पीछे से अटैक कर देते हैं ह्यूमंस। तो भाइयों, दोनों से आप लोगों की लड़ाई होने वाली है। फाइट करने के लिए आप लोगों को अगर कोई गेम ढूंढ रहे थे तो इस गेम को डेफिनेटली ट्राई करना वर्थ ट्राइंग रहेगा। और अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ गेम के ग्राफिक्स की, तो वो आप लोगों को बड़े ही कमाल की मिल जाती है, यानी कि अच्छी ग्राफिक्स वाला एक तगड़ा शूटिंग गेम है। बात करें साइज की, तो वो है 315 MB और गेम ऑफलाइन है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आप लोग गेम्स वगैरह खेलना तो पसंद करते ही हैं, अब पबजी भी बहुत ही जल्द आने वाला है। उन गेम्स में क्या होता है ना, एनिमी दिखा फटाफट से हम लोगों ने शूट कर दिया, इस तरीके से आप लोगों का जो रिफ्लेक्स है वो काफी तेज हो जाता है। और इसको आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, अनअकैडमी लेकर के आ रहा है गेम फील्ड बैटल, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा और आपकी ये स्किल्स टेस्ट होंगी और साथ साथ इम्प्रूव भी होंगी और इंडियन लेवल की रैंकिंग आपको मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो डेली 7 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को मिल जाएगा एक गुडीज का बॉक्स, जो कि अनअकैडमी बना करके दे रहा है लकी लोगों को। और अगर ये भी आप लोगों के लिए काफी नहीं है, तो भैया आप लोग जीत सकते हैं, जो कि बेस्ट रहने वाले उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन लोगों को मिल जाएगा आईफोन, OnePlus, iPad, MacBook, इतने कमाल के प्राइसेस। तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से आगे डाउनलोड करो अनअकैडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रोटेक प्रोमो कोड डालना। टेस्ट होने वाला है 28 जून को। और चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे थर्ड गेम की जो निकल करके आएगा दोस्तों, टेग्रा क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग सर्वाइवल शूटर। इस गेम को अगर मैं आप लोगों के सामने कॉम्बो पैक की तरह पेश करूं तो कुछ गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सारी चीजें एक सिंगल गेम में मिल जाते हैं। 150 से भी ज्यादा रेसिपीज जिनका इस्तेमाल करके आप लोग क्राफ्ट कर सकते हैं अपने लिए शेल्टर, वेपन्स, टूल्स और सारे रिक्वायर्ड आइटम्स। उसके बावजूद आप लोग सामना करते हैं ज़ॉम्बीज का, यानी कि एक सर्वाइवल गेम रहेगा। ज़ॉम्बीज आपके ऊपर अटैक करेंगे, उनसे आप लोग फाइट करेंगे। हर तरीके की वेपन इस गेम में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि एक ऐसा गेम है जहां पर आप लोग ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में कहीं पर भी जा सकते हैं और हर तरीके की वेपन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बात करूं अगर गेम की ग्राफिक्स की, तो वो तो कमाल है। गेम का साइज है 380 MB और ये गेम भी ऑफलाइन है। और चलिए अब बात करते हैं हमारे फोर्थ गेम की जो निकल करके आएगा, हॉरर ब्रॉल। अभी तक आप लोगों को मैं काफी सारे ऑफलाइन गेम्स बता रहा था, लेकिन अब वक्त आ चुका है एक ऑनलाइन गेम बताने का। ये एक बैटल रॉयल गेम होने वाला है, लेकिन अभी तक के बैटल रॉयल गेम से बिल्कुल डिफरेंट। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इस गेम के अंदर आप लोगों को डर लगता है, हॉरर एलिमेंट डाला गया है, यानी कि यहाँ पर आप लोग अपने आप को कैद पाते हैं एक स्कूल के अंदर, जहाँ पर आपके पीछे बढ़ जाती है डरावनी नन, उससे आप लोगों को बचना होगा और वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल करके बैटल रॉयल जॉनर को एंजॉय करेंगे। गेम का साइज होने वाला है दोस्तों 184 MB और ऑब्वियसली ये गेम ऑनलाइन है। और चलिए अब बात करते हैं सीरीज के फिफ्थ गेम की जो निकल करके आएगा, नियो 2045। इस गेम के अंदर आप लोगों को फ्यूचर का समय दिखाया गया है 2045 का,
जहाँ पर पृथ्वी एकदम से तबाह हो जाती है। एआई ओवरलॉर्ड कब्जा कर लेता है हमारे प्लेनेट के ऊपर और यहाँ पर आप लोग अपना एक अवतार क्रिएट करते हैं और वहाँ से शुरू होगा एक असली एक्शन बैटल एरिना मल्टीप्लेयर एनी स्पोर्ट्स। अलग अलग डिफरेंट गेम मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मैसिव यूनिवर्स है इस गेम के अंदर जिसे आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। क्वेस्ट एंड लेवल अप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अलग अलग मिशंस आपको दिए जाएंगे जो कंप्लीट करने होंगे। फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं, ब्लास्टर्स हैं, जिनका यूज करके आप लोग एनिमीज को हराएंगे। गेम का साइज होने वाला है दोस्तों 645 MB और गेम ऑनलाइन है। और दोस्तों जब बातें चल रही हो काफी सारे एक्शन की और शूटिंग की, तभी आप लोगों का मूड चेंज करने के लिए आ गया हमारा 6 नंबर का गेम स्पीड टुगेदर 2। पूरी दुनिया का पहला ओपन वर्ल्ड रेसिंग मोबाइल गेम है जिसके अंदर आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है, कमाल का रेसिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। होता क्या है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी रेसिंग कर सकते हो। एक पूरे का पूरा शहर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर खतरनाक फ्यूचरिस्टिक कार्स को आप लोग ड्राइव करिए, स्टंट्स परफॉर्म करिए, उबड़ खाबड़ रास्तों में ड्राइव करिएगा, यानी कि फुल एड्रेनलाइन रश आपको इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। गेम का साइज होने वाला है 1 GB और गेम ऑनलाइन है क्योंकि दोस्तों के साथ मुझे प्ले करना है। और ग्राफिक्स की अगर बात करें तो भैया वो तो नंबर 1 होने वाली है। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे 7th गेम की जो निकल करके आएगा, नीनो कुनी। जी हाँ, यही नाम है, नीनो कुनी क्रॉसवर्ड। एक ऐसा गेम है जो आप लोगों को परियों की दुनिया यानी कि फेरी टेल की दुनिया में ले जाएगा जहाँ पर ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है। MMORPG कैटेगरी का गेम है लेकिन स्टोरी कमाल की है। आपको एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी, उसकी लाइफ और वही स्टोरी में आप लोग जाएंगे। धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, नई नई पावर्स, नई नई स्किल्स और एबिलिटीज का आप लोगों को पता चलता है। इस गेम के अंदर एक्शन है, इस गेम के अंदर स्टोरी है और ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं। और इतनी अच्छी ग्राफिक्स का अगर मजा उठाना है और ऐसी स्टोरी चाहिए तो थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी होगी मेरे दोस्त। गेम का साइज है 3.2 GB और गेम ऑनलाइन है। और अब वक्त आ चुका है 8th गेम का जो निकल करके आएगा, साइबर वॉर साइबर पंक रिबॉर्न। यहाँ पर आप लोगों को कहानी दिखाई जाने वाली है ईयर 2077 की, जहाँ पर कुछ ही महीने पहले आप लोग नाइट सिटी से बच करके निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर AI सिस्टम का राज है। मिलिट्री कॉर्पोरेशंस ने पूरे के पूरे टावर को कंप्लीट करके अपना हाईजैक बना लिया है। उस हेडक्वार्टर में आप लोगों को घुसना होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। यही आप लोगों का मिशन है। ये किस तरीके से आप लोग करते हैं ये आप लोगों पर निर्भर करेगा। ढेर सारे बॉसेस से आप लोगों की फाइट होने वाली है, खतरनाक वेपन्स का आप लोग इस्तेमाल करेंगे और ढेर सारा एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। गेम का साइज है ऑलमोस्ट 500 MB और गेम टोटली ऑफलाइन है। चलिए दोस्तों, देखते ही देखते वक्त आ चुका है सीरीज के सेकंड लास्ट गेम का जो निकल करके आएगा, लॉस्ट सिग्नल। इस गेम के रिगार्डिंग मेरे पास में इतने सारे कमेंट्स आते रहते थे आप लोगों के कि भाई ये गेम फाइनली ग्लोबली कब लॉन्च होगा। और आखिरकार ये गेम आ चुका है, आप लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम के अंदर आप लोग एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को बचना होगा, यानी कि आपका प्लेन तो क्रैश हो गया एक सुनसान आइलैंड पे जहाँ पर आपके पास में ना खाना है ना ही कोई टूल्स है। फिर आप लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करने की पूरी कोशिश, आसपास के एनवायरमेंट से लकड़ियां जमा करेंगे, टूल्स जमा करेंगे और अपने लिए रिक्वायर्ड सारे के सारे आइटम्स बनाएंगे, लाइक खाना कलेक्ट करना। और फिर एक दिन क्या होता है, ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, यानी कि एक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। गेम का साइज होने वाला है 400 MB और गेम टोटली ऑनलाइन है। और आखिरकार हम लोग आ चुके हैं दोस्तों हमारे 10th गेम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो भैया इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कर दीजिए, 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करा दीजिए अभी के अभी। बात करें हम लोग 10th गेम की तो वो निकल करके आ रहे हैं द स्टोरी ऑफ व्हाइट स्टोन स्टेट। जी हाँ, डिफिकल्ट नाम है। इस गेम का नाम सुनने में जितना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उससे कमाल का ये गेम है। इस गेम को आप लोग अपने PCs पर प्ले कर सकते हैं, यानी कि एक PC गेम मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर होता क्या है, एक बच्चे की स्टोरी दिखाई गई है जो पूरे के पूरे सिटी में कहीं पर भी जा सकता है, यानी कि एक पूरी सिटी मोबाइल डिवाइसेस पर मिल चुकी है। आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करिए, आप लोग दुकान के अंदर जा सकते हैं, आपको कुछ मिशन दिए जाते हैं लाइक ये पार्सल डिलीवर करके आइएगा, वो पार्सल्स आप लोग डिलीवर करते हैं। इसी तरीके के छोटे छोटे मिशंस हैं, कुछ क्वेस्ट हैं, वो आपको कंप्लीट करने होंगे और उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की पूरी लाइफ दिखाई जाती है। डे एंड नाइट का टाइम साइकिल भी चलता है, लाइक सोना हो गया और ये सब चीजें जो एक रियल लाइफ में दिखाई होती है वो सब भी आपको इस गेम में मिल जाएंगी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, गेम का साइज है सिर्फ और सिर्फ 75 MB और गेम ऑफलाइन है। ये हुई ना कुछ मर्द वाली बात। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो करिएगा लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से आइए, प्रोटेक्ट को सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा आप लोगों से एक और नई ऐसी धमाकेदार वीडियो में, देखते रहिए प्रोटेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।